आइए दोस्तों बात करते हैं 50 के दशक की प्रसिद्ध गायिका जगजीत कौर की। इनका जन्म साल 1930 में पंजाब के चंडीगढ़ में एक जमींदार परिवार में हुआ था। इन्हें बचपन से गाने का शौक था। ये स्कूल में सांस्कृतिक कार्यक्रमों और परिवार में शादी विवाह के मौकों पर गाने गाया करती थी। पचास के दशक की शुरुआत में ये फिल्मों में पार्श्व गायिका बनने का सपना लिए चंडीगढ़ से मुंबई चली गई थी। कुछ दिनों की मेहनत के बाद इन्हें साल 1953 की फिल्म दिले नादान में गाने का मौका मिला। दिले नादान में इन्होंने 3 गाने गाए थे। खामोश जिंदगी को एक अफसाना मिल गया, अजी अफसाना मुझे बच्ची जिंदगी तरार तुझको बेतरार हम संबर पे चांदनी मत दिया लहराए मोरा मत दिया लहराए। उसके बाद इन्होंने साल 1961 की फिल्म 16 और सबनम में संगीतकार खयाम के संगीत निर्देशन में 4 गाने गाए थे। लड़ी से लड़ी तुझसे आंख जो लड़ी बड़ी मुश्किल पड़ी जरा पहले तो पास बुलाना थोड़ा सा प्यार जताना घबरा के चले जाना अगर फिर जान भी जाए उसी से प्यार करते फिर वो सावन आया साजन आए ना। साल 1964 की फिल्म सगुन के 2 गानों ने इनको बॉलीवुड और देश भर में पहचान दिलवाई थी। ये दुख ये हैरानी मुझे दे दो बुरा था है जादू डर की सबका मन मोहे भी सबका नंद बलाई लेगी। साल 1967 की फिल्म मेरा भाई मेरा दुश्मन में इन्होंने 1 गाना गाया था। खेल खेल में तूने बजाने बात बढ़ा दी ओए बात बढ़ा दी खेल खेल में तू। साल 1976 की फिल्म कभी कभी में इन्होंने एक पंजाबी लोकगीत गाया था। ताड़ी लंबी उड़ारी दे बाबुल के ले दे सुना। साल 1979 की फिल्म नूरी में भी इन्होंने 1 ही गाना गाया था। प्यार मिला आंख से आंख मिली तार से तार मिली। इनके गानों में पंजाबी लोकगीतों की महक आती थी। एक गाना इन्होंने साल 1981 की फिल्म उमराव जान में भी गाया था। हम तो बादल तारे बेले की कलियां। साल 1982 की फिल्म बाजार में इन्होंने 2 गाने गाए थे। ये दोनों गाने श्रोताओं द्वारा काफी पसंद किए गए थे और आज भी किए जाते हैं। देख लो तुमको भरते साल 1983 की फिल्म रजिया सुल्तान में इनका गाया हुआ एक विवाह गीत श्रोताओं द्वारा आज भी खूब पसंद किया जाता है। माते झूमर सजा
इन्होंने साल 1954 में संगीतकार खयाम से शादी की थी, जिनका पूरा नाम मोहम्मद जहूर खयाम था। इनके घरवाले इस शादी के खिलाफ थे क्योंकि खयाम मुस्लिम थे। इन्होंने घरवालों की परवाह किए बगैर खयाम से शादी कर ली थी। शादी के बाद ये दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहे। इन्होंने सिर्फ अपने पति खयाम की धुनों पर ही गाने गाए थे। गाने के अलावा ये अपने पति की कंपोजिंग में भी मदद किया करती थी। मैं देखूं तो सही किया तुम्हें कैसे बताती। इनका एक बेटा था प्रदीप, जिसकी साल 2012 में दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई थी। अगस्त 2019 को खयाम साहब का निधन हो गया था। उनके दो साल बाद 15 अगस्त 2021 को इनका भी निधन हो गया था। आज रही है फिर बांसुरिया, फिर मेरी खबर लेने वो सैयाद किट किट Love.